वार्षिक निरीक्षण के लिए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल पुलिस लाइन पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस वाहनों, शस्त्रों और स्टोर रूम का निरीक्षण किया। एसपी द्वारा निरीक्षण के दौरान वरुण और वज्र वाहनों का प्रदर्शन करने को कहा। ऑपरेटर द्वारा वरुण वाहन से पानी की बौछार शुरू की और उसे एसपी की तरफ कर दिया गया। एसपी व अन्य अधिकारी एक तरफ हुए तो पानी की बौछार सीधे महिला एसआई पर गिरी, जबकि वज्र वाहन को स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ा। एसपी शुक्ला ने अपने निरीक्षण की शुरुआत वीआईपी फॉलो वाहनों से की। 3 इनोवा कारों की जानकारी ड्राइवरों से ली। कुछ ही मिनट में वरुण वाहन स्टार्ट हुआ और उसमें से पानी की बौछार होने लगी। ऑपरेटर ने संभवतः गलती से पानी की बौछार कर रहे नोजल का मूवमेंट एसपी शुक्ल की साइड किया। एसपी के साथ खड़े एएसपी अमरेंद्र सिंह, एएसपी रविंद्र वर्मा, डीएसपी अरविंद सिंह तोमर साइड में हटकर बौछार से बचे, लेकिन उनके ठीक पीछे खड़ी महिला एसआई पूरी तरह भीग गई। इसके बाद बारी आई वज्र वाहन की। वज्र वाहन कितने किलोमीटर चल चुका है यह पूछने के बाद एसपी शुक्ल ने मैदान की ओर रुख कर प्रदर्शन के निर्देश दिए। इसके बाद 4 रोक फायर कर वज्र वाहन का प्रदर्शन किया गया। यहीं खड़े पुलिस के सीसीटीवी सर्विलांस वाहन के अंदर प्रवेश कर एसपी शुक्ल द्वारा ऑपरेटर से कैमरों की जानकारी ली गई। एसपी शुक्ल ने आरआई को कैमरे ठीक कराने के निर्देश दिए। एसपी द्वारा आर्म्स रिपेयरिंग वर्कशॉप का निरीक्षण किया और मैकेनिकों से वर्तमान में चल रहे काम की जानकारी ली। इसके बाद स्टोर शाखा पहुंचे। यहां सिंहस्थ के समय पुलिस विभाग को मिले उपकरणों को देखा, जिन पर धूल जमी थी, जिन्हें सफाई करने के लिए निर्देश दिए गए। जिसके बाद पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन पहुंचे, जहां जिले भर के पुलिसकर्मियों के लिए दरबार लगाया गया। पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनकर एसपी ने निराकरण के निर्देश भी दिए। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि पुलिस के पास मौजूद संसाधनों की जांच, सुधार कार्य आदि विभागीय प्रक्रिया है। इसके चलते वार्षिक निरीक्षण किया गया है। कुछ उपकरणों में सुधार की आवश्यकता है, जिसे अपडेट के निर्देश दे दिए गए हैं। ये पुलिस विभाग में एक निरीक्षण और ये सामान्य प्रक्रिया है। इसके दौरान हम हमारे जो संसाधन हैं उनका ये ध्यान रखते हैं कि ये उनका किस तरह से उपयोग हो रहा है और उनके लिए क्या प्रशिक्षित लोग हमारे पास हैं, और इन सभी चीज़ों को लेकर एक पुलिस विभाग में एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उसके अनुरूप ही आज हमारा यह वार्षिक निरीक्षण था। इसमें अभी हमने पूरा पुलिस लाइन के को तारमोररी स्टोर और इन सब चीज़ का निरीक्षण किया है। साथ ही साथ हम अभी अपने जवानों से ही बात करेंगे कि उनके क्या कल्याण संबंधित जो की समस्याएं हैं उसके संदर्भ में उनसे चर्चा की जाएगी। इस निरीक्षण का सिर्फ उद्देश्य यह है कि हमारे जो संसाधन है, हमारा जो बल है, उसका मोराल हाई रहे और हमारे जो संसाधन मिले हैं उनका बेहतर सदुपयोग